चलिए गौर से सुनिएगा। सेल, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। गौर से सुनिएगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मानव का जो शरीर होता है वह सेल से बना होता है, और मानव के शरीर बना ही नहीं होता है, मानव के शरीर जो कार्य करता है वह सेल से ही कार्य करता है। तो किस प्रकार से कार्य करता है, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब स्पर्म, स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, और ओभा, ओभा को क्या कहते हैं? अंडाणु, अंडाणु। स्पर्म का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु। ओभा मतलब क्या हो गया? अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मेल होता है, मतलब माँ के गर्भ में जब शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओभा आपस में मिलते हैं, तो और स्पर्म और ओभा के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। मतलब सबसे पहले माँ के शरीर में जो बच्चा का निर्माण होता है, उस बच्चा में सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है। उस बच्चा को सब उस माँ के गर्भ में बच्चा में बच्चा का निर्माण होने से पहले उससे पहले कोशिका बनता है, और वही कोशिका विभाजन होते 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 फिर शरीर के ढांचा में आ जाता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्पर्म और ओभा के मिलने से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। तो यह मानव के शरीर के बनने वाला सबसे पहली कोशिका है, या कहिए तो माँ के गर्भ में बनने वाला सबसे पहली कोशिका है। हर एक मनुष्य का जन्म जब होता है तो सबसे पहले उसके शरीर का निर्माण जाइगोट होता है। अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो मेरा शरीर नहीं बनता, आपका शरीर नहीं बनता, किसी और का शरीर भी नहीं बनता। तब इस प्रकार से कह सकते हैं क्या कि मानव के शरीर की सबसे पहली कोशिका क्या होता है? जाइगोट होता है। मानव के शरीर का सबसे पहली कोशिका क्या होता है? जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। उसके बाद तो आपको तो समझ में आ गया कि मानव का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो मनुष्य का शरीर, वो मनुष्य का शरीर किससे बना है? तो सेल से बना है। आ कैसे कह सकते हैं कि सबसे पहला सेल कौन है? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज, युग्मनज कहते हैं। तो माँ के गर्भ में बनने वाला सबसे पहली कोशिका जाइगोट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव का शरीर, मानव का मतलब क्या, पुरुष और महिला दोनों, मानव का शरीर किससे बना हुआ है? सेल से। मानव का शरीर किससे बना हुआ है? तो सेल से। अब देखिए, जब सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू का निर्माण करता है। जब सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू का निर्माण करता है। जब टिश्यू आपस से मिलता है तो ऑर्गन का निर्माण करता है। जब ऑर्गन आपस में मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है तो क्या बनता है? बॉडी बनता है। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका। टिश्यू के हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग। ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं? अंग तंत्र, अंग तंत्र। और बॉडी मतलब क्या होता है? शरीर। बॉडी मतलब क्या होता है? शरीर। तो जब बहुत सारा सेल आपस में मिलेगा तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू के मिलने से अंग बनता है। कहिएगा अंग का मतलब क्या होता है? तो आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, इसका मतलब ये सब के सब क्या है? अंग है। सब के सब क्या है? अंग है। तो आप गौर से समझाइएगा कि हम किसी को पीटने का काम कुंची से करते हैं? हाथ से। हम किसी भी चीज़ को देखने का काम किससे करते हैं? आँख से। किसी भी चीज़ को सूंघने का काम किससे करते हैं? नाक से। किसी भी चीज़ को सुनने का काम किससे करते हैं? कान से। कान से। तब खुद सोच के बताइएगा कि जो हम हाथ से कर रहे हैं, या नाक से करते हैं, या मुंह से करते हैं, या पैर से करते हैं, या हाथ से करते हैं, इस सब के सब आपस में क्या है? अंग। और ये अंग बना किससे है? ऊतक से। और ऊतक किससे बना है? एकरा मतलब अगर कोशिका नहीं होगा
तो उत्तक का निर्माण नहीं होगा, उत्तक नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो अंग तंत्र नहीं बनेगा, और अंग तंत्र नहीं बनेगा तो शरीर। अंग तंत्र मतलब क्या होता है? एक ही जैसा अंगों के समूह, मतलब एक ही जैसा कार्य करने वाला अंगों के समूह। फिर से गौर सुनिएगा, अंग तंत्र का मतलब होता है एक ही जैसा कार्य करने वाला अंगों का समूह, एक ही जैसा कार्य करने वाला अंगों का समूह। एक ही जैसा कार्य करने वाला अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र। अब अंग तो समझ गए कि आंख होता है, नाक होता है, कान होता है, हाथ होता है। क्या आंख का कार्य और नाक का कार्य सेम होता है? नहीं। क्या नाक और कान का काम सेम होता है? नहीं। क्या कान और हाथ का काम सेम होता है? नहीं। एकरा मतलब सब के सब अलग अलग अंग हैं, और स्वाभाविक सी बात है हाथ अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, सब के सब क्या है? अलग अलग। लेकिन बताइए, हाथ में पाए जाने वाला फिंगर, उंगली, सब का कार्य समान है, या तो किसी चीज़ को पकड़ने का या किसी चीज़ को छोड़ने का। जैसे मान लीजिए कि महिला में पाया जाता है ओभा, ओभा मतलब क्या होता है? अंडा। तो यह ओभा कहाँ बनता है? तो यह ओभा बनता है कहाँ? ओवरी में। ओवरी मतलब होता है अंडाशय। तो अगर ओभा अंडाशय में बनता है, अगर अंडाशय नहीं रहेगा तो ओभा नहीं बनेगा, और महिला में फैलोपियन ट्यूब नहीं रहेगा तो वह अंडा निषेचित नहीं होगा। मतलब कि जो महिला का होता है ना, यह है ओवरी, ये क्या है? ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। और इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और इसको हिंदी में कहते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी नलिका, डिंब वाहिनी नलिका। अब बताइए, इस ओवरी में क्या बन जाएगा? अंडा बन जाएगा। आई अंडा जाके फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फिर यहाँ पर क्या है? यूट्रस। यूट्रस मतलब क्या होता है? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। तो यहाँ पर क्या रहेगा? बच्चा रहेगा। लेकिन खुद सोचिए, अगर ई नहीं रहता, ई नहीं रहेगा, यूट्रस नहीं रहेगा, क्या वो बच्चा कभी जन्म ले पाएगा? ओवरी नहीं है तो अंडा नहीं बनेगा, फैलोपियन ट्यूब नहीं है तो अंडा निषेचित नहीं होगा, यूट्रस नहीं है तो बच्चा फिर रहेगा कहाँ? गर्भाशय में तो बच्चा रहता है। तो इस सब का कार्य एक ही जैसा है, पता कैसा? बच्चा को जन्म देना, या अंडा बना के दिया, या उस अंडा को निषेचित कर दिया। यूट्रस गर्भाशय क्या करेगा? बच्चा को रखिएगा। तो सब का कार्य समान है कि नहीं? कार्य सबका समान ही है। कैसा? तो प्रजनन करवाना। लेकिन इसमें जो काम ओवरी का है, क्या वह काम हाथों का है? क्या हाथों अंडे बनाता है? नहीं। मतलब एक ही जैसा कार्य करने वाला अंगों के समूह। आप फिर से समझिए, जैसे मुंह हो गया, खाने का काम करते हैं, तो मुंह में से लार निकलता है, वो लार भोजन को पचाने का काम करता है। अब आहार नाल के द्वारा कहाँ जाता है? अंदर। तो आहार नाल भोजन को ले जाने काम करता है। तो मुंह, लार, आहार नल, सबका काम क्या है? भोजने को पचाना। अगर ये सब ना रहेगा तो क्या भोजन पच पाएगा? नहीं। तो उसी प्रकार से अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। तो हम लोग काम किसे करते हैं? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इससे काम करते हैं। तो इसको कहते क्या है? अंग। कहते क्या है? अंग। ये अंग बना किससे है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना है? कोशिका से। तो हम कह सकते हैं कि मानव के शरीर का जो रचना हुआ है, मानव के शरीर का जो संरचना हुआ है, यह संरचना किससे हुआ है? कोशिका। और मानव का शरीर का जो कार्य भी हो रहा है, यह कार्य भी किससे हो रहा है? सेल से। यह कार्य भी किससे हो रहा है? सेल से। इसका मतलब
मानव के शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। मानव के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। अगर मानव के शरीर में सेल नहीं रहे तो बॉडी का निर्माण नहीं होगा, सेल न रहे तो कोनो काम भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। तो अभी तक ले हम आपको एक ही बात समझाए हैं कि हम लोग सेल से बने हुए हैं। कैसे समझाए? तो माँ के गर्भ में सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या है? सेल है। जाइगोट क्या है? सेल है। माँ के शरीर में अगर जाइगोट बनता है, जाइगोट अगर सेल है, तो हम लोग फिर बने किससे हैं? सेल से। जब बहुत सारा सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू, और टिश्यू के मिलने से अंग। हम लोग काम करते या तो पैर से करते या तो हाथ से करते, कान नाक आँख से, ये सबसे तो करते हैं। जैसे आँख से देखने का काम करते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं, हाथ से लिखने के कार्य, मारने का कार्य, किसी कार्य को करते हैं। तो सब के सब कार्य किससे होता है? अंग। इससे होता है सब के सब क्या है? अंग है। और अंग बना है किससे? उत्तक से। और उत्तक किससे बना है? सेल से। एकरा मतलब हमारे शरीर का क्रियात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका है। तो अभी तक एक बात तो समझ में आ गया होगा कि मानव के शरीर का रचनात्मक, मानव के शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। मानव के शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक, मानव के शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है मेरे भाई? कोशिका है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात तो कोई दिक्कत हुआ अभी तक ले? नहीं। प्रत्येक कोशिका ऐसा होता है जो अपना पल पल अपना जिंदगी के आकार को बदलते रहता है। जैसे अमीबा, अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का WBC, मतलब एक अमीबा और एक WBC पल पल अपने शरीर के आकार को बदलते रहता है। एक अमीबा और एक WBC पल पल अपने शरीर के आकार को बदलते रहता है। इसका मतलब उसके शरीर का आकार निश्चित नहीं है, इरेगुलर है। निश्चित नहीं है मतलब क्या? इरेगुलर है, अनियमित है। तो कहिएगा क्या कि जो सेल होता है ना, उस सेल का आकार एक जैसा नहीं होता है। तो सेल का आकार कैसा होगा? तो जिसका जैसा कार्य होगा, कार्य के आधार पर सेल के क्या होता है? आकार होता है। मतलब जो जैसा कार्य करेगा उस सेल का आकार वैसा ही होगा। जैसे आदमी का सेल एक जैसा होता है, पेड़ पौधा का सेल एक जैसा होगा। क्या जैसा सेल कुत्ता का वैसा ही सेल मेरा भी होगा? नहीं, सबका सेल कार्य के आधार पर बांटा गया। अब जो सेल होता है ना, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। किसका किसका आकार निश्चित नहीं होता है? देखो अमीबा के, और अमीबा के साथ साथ WBC के, इस दोनों के आकार जो होता है से निश्चित नहीं होता है। इस दोनों का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे RBC का आकार निश्चित है, लेकिन WBC का आकार निश्चित नहीं है। तो और सेल जो होता है, जैसे हम लोग का सेल गोल गोल है, पेड़ पौधा की कोशिका लगभग चार कोर जैसा है, लेकिन एगो अमीबा और एक WBC, ये दो सेल ऐसा सेल है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या सेल का आकार निश्चित होता है? कहेंगे सेल का आकार निश्चित तो होता है, लेकिन अमीबा और WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। मानव की कोशिका को देखिएगा तो आपको गोल गोल दिखाई देगा, पेड़ पौधा की कोशिका चारकोर दिखाई देगा, लेकिन अमीबा और WBC के आकार को निश्चित नहीं होता है। या किसी भी आकार के हो सकता है, ऐसे 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 करके बना दीजिए, या सब के सब किसका आकार हो गया? तो अमीबा का, अमीबा के आकार हो गया।
आपका मन हुआ तो ऐसे 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 करके बना दीजिए, ये किसका आकार हो गया तो WBC का, मतलब अमीबा का। और WBC का आकार निश्चित नहीं होता है, अमीबा और WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। तो अमीबा क्या है, सेल है, WBC क्या है, सेल है, और दोनों का आकार निश्चित नहीं है। और सेल का आकार किस आधार पर बढ़ते हैं, तो उसके कार्य के आधार पर बढ़ते हैं, कार्य के आधार पर। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्या कि जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। मतलब जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया। अमीबा का शरीर मात्र एक ही कोशिका से बना हुआ है, तो जब अमीबा के शरीर मात्र एक कोशिका से बना हुआ है, जब अमीबा के शरीर मात्र एक कोशिका से बना हुआ है, एकरा मतलब अमीबा क्या है तो एक कोशिकीय है। लेकिन क्या लगता है कि हम लोग का शरीर एक एक कोशिका से बना हुआ है, नहीं। तो जब हम लोग का शरीर एक कोशिका से नहीं बना हुआ है, एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा, तो बहुकोशिकीय। तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो कहता है क्या, शरीर के संरचना के आधार पर कहिए कि कोशिका को संख्या के आधार पर, कोशिका को संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, और एक बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर। तो जिन शरीर का, जिन जीव का शरीर एक कोशिका से बना हुआ है उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिन जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ तक ले कोई तकलीफ तो रहने देते हैं आज तक ले, अभी इतना ही तक ले, एक बार समझ लीजिए फिर से। सेल कैसे बनता है, तो माँ के गर्भ में सबसे पहला कोशिका बनता है, उस कोशिका को क्या कहते हैं, जाइगोट। सेल हमारे शरीर का रचनात्मक इकाई है क्योंकि हम लोग सेल से बने हैं। बहुत सारा सेल आपस में मिलता है तो सेल के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू के मिलने से अंग बनता है, और हम लोग कार्य किसे करते हैं, अंग से करते हैं। तो हमारे शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, सेल है। उसके बाद क्या समझा है कि जो अमीबा है और WBC है, इस सेल का आकार निश्चित नहीं होता है। जो अमीबा है, जो WBC है, इस सेल का आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद समझाए, जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है यूनिसेलुलर, जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, 1590 में कैसे हुआ, 1665 में कैसे हुआ, 1683 में कैसे हुआ, इस सब बात कल स्टार्ट करेंगे, क्या ठीक है, तो रहने देते आज भर।